नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हरियाणा पोलखोल न्यूज। हंसी से दे रहे हैं हरियाणा पोलखोल न्यूज पर सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। रात्रो रात क्यों ही दुकानें खाली, क्यों मची दुकानदारों में भगदड़। हम बता रहे हैं आपको कि रात्रि को दुकानदारों में किसी ने सूचना दी कि चोर आ रहे हैं, रेकी की गई है चोरों द्वारा, जिसको लेकर दुकानदार मोबाइल की दुकानदार हैं, उन्होंने अपने दुकानों से महंगे मोबाइल उठाकर घर की ओर चल पड़े। सामान सारा उठा लिया, मिन मिन जो मोबाइल थे वो लेकर घर की तरफ चले गए और दुकानदार देर रात्रि तक अपने मोबाइलों में दुकानों की जांच करते रहे। ये खबर आ रही है हंसी से और दहशत का माहौल दुकानदारों में देखा जा रहा है। भगत सिंह मार्केट में ये खबर आई है। साहिल मुंजाल। साहिल जी, क्या मामला था? रात रात दुकानें खाली करने लगे थे, लोग सामान ले गए जाने लगे थे, ऐसी क्या पता थी रात को एकदम? रातों रात मेरे एक मित्र का मेरे पास फोन आया कि बाजार के अंदर चार पांच संदिग्ध लोग घूम रहे हैं और वो दुकानों की रेकी कर रहे हैं। और आए दिन हम देख रहे हैं, हरियाणा ही नहीं विशेषकर हिसार जिला और विशेषकर हांसी में रोजाना चोरी की वारदातें बढ़ती बढ़ती और बहुत बढ़ती जा रही हैं। आपने अभी देखा होगा कल परसों जो कैंट के अंदर वारदात हुई है, जो बीते दिनों हांसी के अंदर वारदात हुई है, जिसको लेकर हर व्यापारी वर्ग में एक भय का माहौल है पड़ा। जैसे ही कोई 19-20 खबर आती है, लोग अपनी दुकानों से सामान निकाल के घर पे ले जाना शुरू कर देते हैं। रात को नींद तक नहीं आती है, 24 घंटे ये बेचैनी रहती है कि हमारी दुकान हमारा मकान सुरक्षित है या नहीं है। प्रशासन क्या कर रहा है नहीं पता कुछ, मौजूदा विधायक मौजूदा सरकार क्या कर रही है पता नहीं है कुछ। पर एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आज हरियाणा प्रदेश के एक एक व्यापारी के मन में भय का माहौल है पड़ा। तो सहज जी, रात को जब देखा गया कि दुकानदार जितने भी थे तकरीबन ही अपने मोबाइल है और है। मैं भगत सिंह रोड पे मोबाइल की दुकान चलाता हूँ। भगत सिंह रोड पे ऐसी अफरा तफरी मची कि एक एक मोबाइल के दुकानदार ने अपना सामान घर पे ले जाना सुनिश्चित किया। जैसी ये खबर फैली कि कुछ संदिग्ध लोग घूम रहे हैं, आपस में ऐसी बातें हुई कि लोगों ने अपना सामान उठाना शुरू कर दिया। कहीं ना कहीं आपका नाम भी आया था, आपने भी सामान उठा के ले लिया? मैंने बिल्कुल उठाया। मेरे पास एक मेरे मित्र का फोन आया तो मैं भी 10:30-11 बजे अपनी दुकान में से सामान उठा के ले गया था, क्योंकि भय का माहौल इतना है कि आपको सामान उठाना जैसी ही कोई खबर आती है मजबूरी बन गई है। क्योंकि आज के टाइम में कोई भी इंसान खास तौर पे व्यापारी वर्ग अपने आप को सुरक्षित समझ ही नहीं रहा है। आए दिन दुकानों के शटर पाड़ना, ताले तोड़ना, बाहर खड़ी गाड़ियां चोरी हो जाना, गाड़ियों के शीशे तोड़ देना, ये घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। समझ नहीं आ रहा है कि पुलिस रात को रेकी कर रही है नहीं कर रही है या चैन की नींद सोई हुई है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। यानी कि चोर रेकी कर रहे हैं पुलिस वाले, वो कर रहे हैं, पुलिस गश्त नहीं कर रही है। अगर पुलिस गश्त करेगी तो चोर रेकी नहीं करेंगे, अगर पुलिस गश्त नहीं करेगी तो चोर भी रेकी करेंगे। आपने अभी देखा होगा विक्की मोबाइल गैलरी में से 8 लाख की चोरी हुई थी, जिसके बारे में ये भी पता लग चुका है कि बिहार के चोर थे और चोरी किया हुआ माल भी नेपाल में बरामद हुआ है, ऐसी लोकेशन ट्रेस हुई है, पर पुलिस बरामद नहीं कर रही है माल को, कोई कोऑपरेट नहीं कर रही है। एक बात तो सुनने में आई कि दुकानों में काम धंधे नहीं है, वैसे चिंता में है, और दूसरा काम धंधों से ज्यादा आज के समय में भय का माहौल है। आर्थिक मंदी आपको पता है पूरे देश में है बड़ी, इसमें कोई दो राय नहीं है। काम धंधे की बात को अगर हम दरकिनार करते हुए भय का माहौल देखें तो वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जो एक आम आदमी डरा हुआ खुद को महसूस कर रहा है, खास तौर पे व्यापारी वर्ग। और यही जो हमारी महिलाएं हैं, जो आप 24 घंटे देखते हो अखबारों में टीवी में, वो भी सुरक्षित नहीं है। आए दिन रेप के मामले बढ़ रहे हैं, आए दिन चैन स्केचिंग के मामले बढ़ रहे हैं, आए दिन मारपीट के मामले बढ़ रहे हैं। तो कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है। अब देखो आगे क्या होता है, ये तो गर्भ में ही है। कहने का डर का माहौल हो रहा है, बिल्कुल डर का माहौल है व्यापारी वर्ग में आज, डर का माहौल। तो आपने इसके बारे में प्रशासन से या मौजूदा विधायक वगैरह से? प्रशासन से मैंने सीएम हाउस में भी ट्वीट करा है, अनिल विज जी को भी ट्वीट करा है, और समय समय पे जो हमारे मार्केट के प्रधान है आदरणीय अनिल मलिक जी, वो भी पुलिस प्रशासन से मिलते रहते हैं। जो चोरी की घटना विक्की मोबाइल के साथ हुई थी उसकी बरामदी के लिए मिलते रहते हैं, और एक खुशहाल खुशनुमा शासन देने के लिए भी मिलते रहते हैं, पर कोई कार्रवाई हो नहीं रही है पुलिस प्रशासन की तरफ से।